अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट और मॉडुलस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी रिजल्ट है फॉर ऑल Z1, Z2, Z3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर Z1, Z2, Z3 कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है देन पहली प्रॉपर्टी है दैट जेड एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस जेड एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू जेड कंजुगेट एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू माइनस जेड कंजुगेट एब्सोल्यूट। पहली प्रॉपर्टी है कि जेड एब्सोल्यूट बराबर होगा माइनस जेड एब्सोल्यूट के, जो बराबर होगा जेड कंजुगेट एब्सोल्यूट जो कि बराबर होगा माइनस जेड कंजुगेट एब्सोल्यूट। अब हम इसको प्रूव भी करते हैं, इसके हम प्रूफ करते हैं कि आया ये ठीक है या नहीं। प्रूफ लेट जेड, लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अगर जेड हमारे पास ए प्लस बी आयोटा है देन तो हमें पता है कि माइनस जेड क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी आयोटा हो जाएगा। ऑल राइट, माइनस ए माइनस बी आयोटा हो जाएगा ना। अगर इस तरफ को आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तरफ में भी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जेड कंजुगेट बराबर हो जाएगा ए माइनस बी आयोटा। अगर जेड ए प्लस बी आयोटा के बराबर है तो जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आयोटा। इसी तरह माइनस जेड कंजुगेट, माइनस जेड का कंजुगेट ले लें, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ए जमा बी आयोटा। इसका कंजुगेट ले लें माइनस ए प्लस बी आयोटा। ऑल राइट, अब डिफिनीशन के मुताबिक देयरफॉर By definition, अब एब्सोल्यूट की डिफिनीशन के मुताबिक जेड एब्सोल्यूट हमारे पास आता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, इसको वन नेम दे दिया। ऑल राइट, जेड एब्सोल्यूट ये हमने पढ़ा है, जेड एब्सोल्यूट किस चीज़ के बराबर है, अगर जेड ए प्लस बी आयोटा के है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ऑल राइट, नेक्स्ट माइनस जेड एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस जेड, ये है हमारे पास आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर जमा माइनस बी का स्क्वायर होल अंडर द रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आता है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। माइनस पे अगर आप स्क्वायर ले लें तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा। ऑल राइट, इसको टू नेम दे दिया। नेक्स्ट जेड बार एब्सोल्यूट, जेड कंजुगेट एब्सोल्यूट, जेड कंजुगेट ये है ए का स्क्वायर जमा माइनस बी का स्क्वायर, हमारे पास क्या आता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। ऑल राइट, सिंपल। नेक्स्ट माइनस जेड कंजुगेट एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस जेड कंजुगेट ये है माइनस ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर फोर। तो आप 1, 2, 3, 4 इक्वेशन को देख ले, सारे इक्वल है या नहीं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आता है सब में। तो इसका मतलब हुआ कि जेड दिस इम्प्लाइज दैट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 दिस इम्प्लाइज दैट जेड एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस जेड एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू जेड कंजुगेट एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू माइनस जेड कंजुगेट एब्सोल्यूट। ऑल राइट, ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब पढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जेड डबल बार डबल टाइम कंजुगेट इज इक्वल टू जेड। अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का आप डबल टाइम कंजुगेट ले लें तो आपके पास वही नंबर आएगा। इसको प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ
लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अगर जेड हमारे पास कोई नंबर है देन जेड बार इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा होल बार विच इज इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा। अगर जेड ए प्लस बी आयोटा है, जेड का कंजुगेट ले ले तो हमारे पास ए माइनस बी आयोटा आएगा। ऑल राइट, अगेन अगर जेड बार का हम कंजुगेट ले लें, जेड कंजुगेट का अगर हम कंजुगेट ले लें, यानी ए माइनस बी आयोटा का अगर हम कंजुगेट ले लें, हमारे पास आता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ए प्लस बी आयोटा। और ए प्लस बी आयोटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर था, जेड के बराबर। दिस इम्प्लाइज दैट जेड डबल बार इज इक्वल टू जेड, और ये हमने शो करना था। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है जेड जेड बार इज इक्वल टू जेड एब्सोल्यूट स्क्वायर। अगर कम जेड और जेड कंजुगेट आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो वो इक्वल होगा जेड एब्सोल्यूट स्क्वायर का। किस तरह इसको हम प्रूव करते हैं, प्रूव लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, देन जेड कंजुगेट इज इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा। ऑल राइट, देयरफॉर जेड जेड बार, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा, ए माइनस बी आयोटा। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, फार्मूला बन गया हमारे पास। ऑल राइट, नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, माइनस वन के, माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस वन। आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर है माइनस वन, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे देख ले तो हमारे पास जेड एब्सोल्यूट किस चीज़ के बराबर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वी नो दैट जेड एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे स्क्वायर ले ले, हमारे पास आ जाएगा जेड एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये किस चीज़ के बराबर आता है, जेड एब्सोल्यूट स्क्वायर। और ये हमने शो करना था कि जेड जेड बार इज इक्वल टू जेड एब्सोल्यूट स्क्वायर, ये हमने तीसरी प्रॉपर्टी शो प्रूव कर ली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हमने शो करना है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर ले और उसका कंजुगेट ले ले तो हमारे पास बराबर होगा, अगर दोनों का अलग अलग कंजुगेट लेके उसको ऐड कर ले तो इसके बराबर होगा। इसको किस तरह प्रूव करेंगे, लेट जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा एंड जेड टू इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। ऑल राइट, देन अगर ये इसके बराबर है तो हमारे पास जेड वन कंजुगेट किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी आयोटा, एंड जेड टू कंजुगेट किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, सी माइनस डी आयोटा। ऑल राइट, नाउ नाउ जेड वन प्लस जेड टू, अगर जेड वन जेड टू का आपस में ऐड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा जमा सी प्लस डी आयोटा। इस तरह आता है सी प्लस डी आयोटा, रियल पार्ट आपस में ऐड कर ले ए प्लस सी, और इमेजिनरी आपस में ऐड करके आयोटा कॉमन ले ले, अगर बी जमा डी आयोटा। तो आप देखें अब ये हमारे पास क्या आ गया, जेड वन प्लस जेड टू आ गया, जेड वन प्लस
जेड टू आ गया। अब जेड वन प्लस जेड टू का कंजुगेट ले लें, कंजुगेट अगर आप ले लें ए प्लस सी, और इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस एन टू बी प्लस डी आई ऑल राइट। अब ए प्लस सी माइनस बी आयोटा माइनस डी आयोटा, आयोटा को और माइनस साइंस को मल्टीप्लाई कर लिए, हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा जमा सी माइनस डी आयोटा। रीअरेंज टर्म को रीअरेंज कर लिए, ए माइनस बी आयोटा किस चीज़ के बराबर है, जेड वन बार के बराबर है, जेड वन बार जमा सी माइनस डी आयोटा किस चीज़ के बराबर है, जेड टू बार के बराबर। और ये हमने शो करना था कि जेड वन प्लस जेड टू होल बार इज इक्वल टू जेड वन बार प्लस जेड टू बार। ऑल राइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है जेड वन जेड टू अगर आपस में मल्टीप्लाई कर ले, उसका कंजुगेट ले ले, ये बराबर होगा अगर जेड वन जेड टू का अलग अलग कंजुगेट लेके उसको फिर मल्टीप्लाई कर ले। इसके प्रूफ की तरफ आते हैं, लेट जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा एंड जेड टू इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। अगर देन सो अब ये इस चीज़ के बराबर है देन, देन जेड वन जेड टू कंजुगेट किस चीज़ के बराबर होगा ये हमने शो करना है। तो अगर ये आपस में मल्टीप्लाई कर ले इनटू सी प्लस डी आयोटा होल कंजुगेट। ऑल राइट, अब आपस में मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ कर ले, ए सी माइनस बी डी जम ई डी जमा ए डी जमा बी सी आयोटा होल कंजुगेट। ऑल राइट, अब कंजुगेट अप्लाई कर ले, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, बाकी उसी तरह माइनस बी डी माइनस ए डी जमा बी सी आयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन आ गया। नेक्स्ट ये शो करना है कि जेड वन और जेड टू बार का अगर अलग अलग कंजुगेट ले ले एंड जेड वन बार जेड टू बार इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा कंजुगेट इनटू सी प्लस डी आयोटा कंजुगेट। कंजुगेट अप्लाई कर लिए हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा इनटू सी माइनस डी आयोटा। ऑल राइट, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज कर ले कम्प्लेक्स नंबर में, ए सी माइनस बी डी ए सी माइनस बी डी जमा माइनस ए डी, ए डी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, एजर बी डी माइनस ए डी आयोटा भी है, आयोटा को हम कामन ले लेंगे, और यहाँ से माइनस बी सी, माइनस बी सी आयोटा को कामन ले लिया, यहाँ से आयोटा कामन निकाले ए सी माइनस बी डी, सॉरी यहाँ से माइनस कामन ले ले ए डी जमा बी सी आयोटा, यह आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर टू नाम दे दें, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू से हमारे पास क्या आ गया, दैट जेड वन जेड टू होल बार इज इक्वल टू जेड वन बार जेड टू बार। ऑल राइट, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर जेड वन डिवाइड बाई जेड टू का होल कंजुगेट ले ले तो ये बराबर होगा अगर जेड वन का हो अलग कंजुगेट ले ले जेड टू का अलग, और फिर जेड वन कंजुगेट को जेड टू पे डिवाइड कर ले और जेड टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये आपस में इक्वल होंगे। इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ प्रूफ लेट ए वो बी, लेट जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा एंड जेड टू इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। देन तो हमारे पास जेड वन डिवाइड बाई जेड टू किस तरह आएगा,
ए प्लस बी आयोटा डिवाइड बाई सी प्लस डी आयोटा। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट आपस में अलग अलग करने हैं, रियल पार्ट को अलग लिखना है और इमेजनरी को अलग। अगर इस तो इसको लिखेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा। अब जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट पे मल्टीप्लाई भी कर ले, डिवाइड भी कर ले। किस तरह? इसके कंजुगेट आता है सी माइनस डी आयोटा, सी माइनस डी आयोटा के साथ। ऑल राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये आपस में दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर ले। हमारे पास आ जाएगा पहले ए दोनों को मल्टीप्लाई कर ले ए सी माइनस ए डी आयोटा, फिर बी को मल्टीप्लाई कर ले बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर। ऑल राइट, यहाँ से आ जाएगा ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। हमारे पास आ जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ई सी, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर से माइनस वन आता है, माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले प्लस बी डी, यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी डी। ऑल राइट, यहाँ पे प्लस बी सी माइनस ए डी, और दोनों से आयोटा को कॉमन ले लिया। यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर, ये जमा डी स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर है। नेक्स्ट रियल पार्ट अलग लिख लें और इमेजनरी पार्ट अलग। ए सी जमा बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर। ऑल राइट, जमा बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर आयोटा, और इसको आप नेम दे दें इक्वेशन नंबर वन। इसको इक्वेशन नंबर वन नेम दे दिया। नेक्स्ट, सो लेफ्ट हैंड साइड तो कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया बी सी माइनस ए डी। अब इसका कंजुगेट लेना है सर, इसको आप इक्वेशन वन नाम ना दे दे, इसका कंजुगेट ले ले जेड वन डिवाइड बाय जेड टू होल का कंजुगेट ले ले। अगर आप कंजुगेट लेंगे इसका, हमारे पास ए सी जमा बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर जमा बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर आयोटा होल कंजुगेट ले ले। ऑल राइट, जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। किस तरह जाएगा? ए सी जमा बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर माइनस आ जाएगा बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर आयोटा। इसको आप इक्वेशन नंबर वन नेम दें। ऑल राइट, लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, अब राइट हैंड साइड। नाउ जेड वन डिवाइड बाय जेड वन कंजुगेट डिवाइड बाय जेड टू कंजुगेट इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा कंजुगेट डिवाइड बाय सी प्लस डी आयोटा कंजुगेट। ऑल राइट, अब कंजुगेट अप्लाई कर ले ए माइनस बी आयोटा डिवाइड बाय सी माइनस डी आयोटा। ऑल राइट, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने हैं, उसके लिए आपको जो डिनोमिनेटर है उसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर ले। हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा डिवाइड बाय सी माइनस डी आयोटा, इसका कंजुगेट है सी प्लस डी आयोटा डिवाइड बाय सी प्लस डी आयोटा। ऑल राइट, अब ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर ले। हमारे पास आ जाएगा ए पहले मल्टीप्लाई कर ले ए सी जमा ए डी आयोटा, फिर माइनस बी सी आयोटा, ये आ जाएगा माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला बनता है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ऑल राइट,
नेक्स्ट देखें, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इस साइड को मिटा लिया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इच इज इक्वल टू ए सी जमा ए सी। यहाँ से माइनस को कामन ले ले इन दोनों से, माइनस को अगर आप कामन लेंगे इन दोनों से, माइनस कामन ले ले तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी सी, बी सी ये आ जाएगा माइनस ए डी, और आयोटा को कामन ले ले, और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर ये प्लस बी डी बन जाएगा, प्लस बी डी डिवाइड बाय हमारे पास नीचे बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऊपर बनता है ए सी जमा बी डी माइनस इंटू बी सी माइनस ए डी आयोटा डिवाइड बाय सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर। अलग अलग लिख ले ए सी जमा बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर माइनस इंटू बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर आयोटा। ये इक्वेशन नंबर टू नाम इसका। तो अब आप इक्वेशन वन को देखें, जेड वन डिवाइड बाय जेड टू होल कंजुगेट, और ये है जेड वन कंजुगेट डिवाइड बाय जेड टू कंजुगेट, दोनों आपस में इक्वल आ गए। हिंस फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, वन ओवर टू से जेड वन डिवाइड बाय जेड टू होल कंजुगेट इज इक्वल टू जेड वन कंजुगेट डिवाइड बाय जेड टू कंजुगेट। ऑल राइट, तो ये थे कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई होल पावर ए। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। सो डियर, आज का टॉपिक था, और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।